हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी। आज हम बनाने वाले हैं ऑरेंज केक, वो भी 5 मिनट्स में विदाउट ओवन। एज ऑलवेज बहुत ही इजी रेसिपी है एंड द केक इज सो सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड फुल ऑफ फ्लेवर्स। आप ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 कप ऑरेंज जूस। आप फ्रेश ऑरेंज का जूस निकाल सकते हैं या फिर रेडीमेड यूज कर सकते हैं, बट नॉट फ्रॉम कंसेंट्रेट। 1/2 कप चीनी और 1/4 कप ऑयल, कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल। अब इसमें डालना है थोड़ा सा ऑरेंज जेस्ट, तो हल्के हाथ से ऑरेंज को ऊपर ऊपर से ग्रेट करना है। केवल ऑरेंज वाला पार्ट जाना चाहिए, व्हाइट वाला नहीं। व्हाइट वाला थोड़ा बिटर होता है। ऑरेंज जेस्ट का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है केक में। 1/4 टीस्पून ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑरेंज जेस्ट और ऑरेंज जूस से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस केक का। इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें जाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें कि हमें लेना है 1 कप प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हल्का सा नमक डालने से क्या होता है, फ्लेवर सारे बैलेंस हो जाते हैं। अब इन सबको मिक्स करते हुए छान लेंगे। इसको पार्ट्स में मिलाना है, तो पहले मैं थोड़ा सा छानने के बाद इसको मिक्स कर लूंगी और फिर रिमेनिंग भी इसी तरह से धीरे धीरे करके ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आपको एक स्मूथ बैटर बनाकर रेडी करना है। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। नॉर्मल केक जो हम बनाते हैं उससे इसका बैटर थोड़ा सा थिन रहेगा, क्योंकि हम इसे माइक्रोवेव में कुक करने वाले हैं आज। तो अब आप कोई भी माइक्रोवेव सेफ बोल या पैन को ग्रीस कर लीजिए और उसमें इस बैटर को पोर कर दीजिए। अब लास्ट में हमें इसमें डालना है 1 टीस्पून विनेगर या फिर लेमन जूस। लास्ट में पैन में डालने के बाद ही आपको इसको डालना है और फटाफट से मिक्स कर देना है। इससे हमारा केक जो है वो एकदम फ्लफी बनेगा। जब ये विनेगर जो है वो बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा, तभी वो केक जो है वो फ्लफी बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको लास्ट मोमेंट पर ही ऐड करना है, ताकि जब ये रिएक्शन हो तब ये हमारा केक जो है वो माइक्रोवेव में बेक हो रहा हो और वो एयर जो है उस तरह से ट्रैप होके हमारा केक को स्पॉन्जी बना दे। इसे फुल पावर पर माइक्रोवेव करना है 5 मिनट्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर माइक्रोवेव। मेरा माइक्रोवेव 800 वॉट्स का है, तो इसमें मुझे 5 मिनट्स लगे हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर बैटर जो है वो कितना थिक लेयर है, उस पे भी डिपेंड करता है। तो आप इसको 4 मिनट के लिए रखिए और फिर थोड़ा सा चेक कर लीजिए। आपको हो सकता है 6 मिनट लगे या फिर 4 लगे, तो आप चेक कर लीजिए। ओवर बेक नहीं करना है। इस तरह से आप टूथपिक से चेक कर सकते हैं, टूथपिक क्लीन निकलती है तो केक अच्छे से पक गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट बाद आप इसे मोल्ड से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी में फ्रॉस्ट करने वाली हूं, तो मैं इसी में कम्प्लीटली ठंडा कर लूंगी इसको। आप ये केक इस तरह से भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। मैं थोड़ा सा फ्रॉस्ट करने वाली हूँ, तो मैं इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम डालकर अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। और आपको डेकोरेशन के लिए भी बहुत ही इजी टेक्निक सिखाने वाली हूँ आज, जिससे कम मेहनत में ही आप स्टनिंग सा केक बना सकते हैं। तो व्हिपिंग क्रीम को इस तरह से फैला लेंगे केक के ऊपर। अब आप किसी भी फोक की हेल्प से इस तरह से जिगजैग बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये टूल है, ये मेरा DIY टूल है जिसे मैंने एक लिड से कट करके बनाया है, आप भी इस तरह 2 मिनट में बना सकते हैं। इसे इस तरह ऊपर नीचे करते हुए आप इस तरह से क्रीम को बहुत अच्छा सा पैटर्न में क्रिएट कर सकते हैं और इन नो टाइम आपका मजेदार सा पैटर्न रेडी हो जाएगा केक के ऊपर। अब बॉर्डर्स को हाइड करने के लिए मैं थोड़े से ब्लूबेरीज और ऑरेंज का बॉर्डर लगा दूंगी इस पर। तो हमारा मजेदार सा केक रेडी है बिना मेहनत के, बहुत ही फटाफट। मैं कॉर्नर पे थोड़े से ऑरेंज के पीसेस और लगा रही हूँ। तो देखिए, केक दिखने में तो अच्छा लग रहा है, अब इसे कट करके देखते हैं कि अंदर से कैसा बना है, जिससे कि आप देख पाए कि टेक्सचर कितना अच्छा आता है इस केक का। तो मैं एक स्लाइस आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट मॉइस्ट केक बनकर रेडी हुआ है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि इसको ओवर बेक ना करें, ओवर कुक ना करें, तो ये एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू इजी। थैंक यू।